हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक बार फिर से हम देखेंगे उत्तराखंड लेटेस्ट गवर्नमेंट अपडेट, जो गवर्नमेंट जॉब को लेकर क्या अपडेट उत्तराखंड में देखने को मिली है वो इस वीडियो में हम देखेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो देख लेते हैं दोस्तों क्या अपडेट हमें यहाँ पे उत्तराखंड गवर्नमेंट जॉब, उत्तराखंड सरकारी नौकरी को लेकर मिल रही है। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड सबऑर्डिनेट्स सर्विस सिलेक्शन कमीशन यूके 666 की तरफ से क्या क्या अपडेट जो है यहाँ पे आई है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आयोग के द्वारा पद नाम छात्रावास अधीक्षक, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, मैटर्न केयर सह हॉस्टल इंचार्ज, सहायक चकबंदी अधिकारी, सहायक प्रबंधक उद्योग, सहायक समाज कल्याण अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, सहायक स्वागति संरक्षक कम डाटा एंट्री ऑपरेटर, समीक्षक सुपरवाइजर, यहाँ पे पद कोड दे रखे हैं कि जो है लिखित प्रतियोगी परीक्षा पर अभिलेख सत्यापन हेतु जारी औपबंधिक श्रेष्ठता सूची के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन हेतु दिनांक 17 मई से 27 मई तक निर्धारित कार्यक्रम जारी किया जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे किया गया कि तो आयोग कार्यालय द्वारा अभिलेख सत्यापन का मुख्य आशय है कि अभ्यर्थी ने अपने आवेदन पत्र में जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं वो मूल रूप से उसके पास हैं। दूसरा, जो OBC और EWS सर्टिफिकेट है वो भी आपके पास में अपडेट होना चाहिए, रिन्यूअल होना चाहिए। इस दृष्टि से आयोग की पूर्व बैठक में यह निर्णय लिया जा चुका है कि अब आयोग द्वारा स्थापित नियम के अनुसार ऐसा कोई स्पष्टीकरण या आख्या प्राप्त नहीं की जाएगी। वह यदि अभ्यर्थी विज्ञापन शर्तों के अनुरूप सभी पात्रताएं संबंधी प्रमाण पत्र धारित करते हो तभी उनका अभ्यर्थन स्वीकार किया जाएगा। वह किसी भी मामले में कोई भी स्पष्टीकरण या आख्या प्राप्त नहीं की जाएगी। यानी कि OBC और जो EWS सर्टिफिकेट है आपका अप टू डेट होना चाहिए। ठीक है, दूसरा अपडेट क्या है उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की तरफ से, देखिए, अवर अभियंता विद्युत एवं यांत्रिक प्रशिक्षु पद कोट 52R की द्वितीय भाग की अभिलेख सत्यापन हेतु जारी श्रेष्ठता के उपरांत चयनित अभ्यर्थियों की चयन संतुति के संबंध में। तो अब यहाँ पे देखिए, जिनका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हो चुका है उनके जो है, देखिए जिनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है हो चुका है, तो अब इनका देखिए यहाँ पे जो है UK 666 ने जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो पूरी लिस्ट है वो आपको यहाँ पे जो है उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड देहरादून में जो है, जो अवर अभियंता विद्युत एवं यांत्रिक प्रशिक्षु पद कोड 52.2R में जो 51 एलिजिबल कैंडिडेट की जो है सिलेक्शन लिस्ट है वो आयोग के पत्र दिनांक 29/4/2022 के द्वारा संबंधित नियुक्ता विभाग को प्रेषित कर दी गई है। ठीक है, तो जो लिस्ट है वो अब जो है आयोग ने विभाग को यहाँ पे प्रेषित कर दिया है। तीसरी अपडेट देख लेते हैं, तो देखिए, इंटरमीडिएट अर्हता वाले विभिन्न पदों पर जारी परीक्षा परिणाम दिनांक 1 अप्रैल 2022 के संबंध में। तो देखिए, आयोग का कहना है इस परीक्षा में 759 पद सम्मिलित थे, इनमें से 530 पद ऐसे हैं जिनके लिए टंकण परीक्षा 4000 KDPH अनिवार्य है। अभ्यर्थी अवगत है कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुरूप टंकण परीक्षा के लिए 1:4 के अनुपात में अभ्यर्थियों को आमंत्रित करने का प्रावधान है। इसी कारण 2086 अभ्यर्थियों को टंकण परीक्षा के लिए चयन सूची में स्थान मिला है। शेष 227 पदों पर टंकण एक अनिवार्य अर्हता नहीं है, अतः वर्तमान चयन सूची में स्थान प्राप्त जो अभ्यर्थी टंकण परीक्षा में भाग नहीं लेंगे या टंकण परीक्षा में जो नॉन एलिजिबल होते हैं यदि वे मेरिट में हैं तो इन 227 पदों के लिए वे एलिजिबल होंगे। टंकण में जो है एलिजिबल अभ्यर्थी सभी पदों के लिए पात्र होंगे। ठीक है, और टंकण परीक्षा के बाद इन पदों पर सिलेक्शन हेतु डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा और उसके बाद
डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हो जाएगा, उसके बाद जो है कैंडिडेट की जो है जो भी विकल्प है चयन नीति के अनुरूप और उसकी टंकण अर्हता के अनुरूप पदों के विकल्प चयन उत्तर चयन का अवसर दिया जाएगा। ठीक है, तो टंकण परीक्षा की जो तिथियाँ हैं यहाँ पर आयोग जो है शीघ्र यहाँ पर जारी कर देगा। तो दोस्तों ये UK SSC की तरफ से लेटेस्ट अपडेट है। बाकी अपडेट जो है आपको पता है यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का जो सीरियल नंबर है ये दे रखा है, यहाँ पे डेट दे रखी है। ठीक है, सीरियल नंबर 1 से 100 17 मई को होगा, 101 से 200 तक 18 को, तो ये दे रखा है। यहाँ पे टोटल जो है कितने लिस्ट दे रखे हैं यहाँ पे, तो देखिए 801 से 916 तक जो है 27 मई तक ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। तो यहाँ पे पद आपके छात्रावास अधीक्षक, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, ये टोटल पद हैं, इनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जो है यहाँ पे डेट जो है दी गई है। तो